अब जैसे देखिए अभी हम ऑटोमेटिक मोड में ही चल रहे हैं और करीब 1500 की आरपीएम है हमारी और यहाँ पर हम एक्सीलेटर देते हैं, देखते हैं कि गाड़ी ओवरटेक करते समय किस तरीके का बिहेवियर दिखाती है। अभी जो माइलेज है वो बढ़ चुका है, 80 की स्पीड पर अगर आप क्रूज कर रहे हैं गाड़ी के साथ तो ये 20 की रेंज में जा चुका है। तो दोस्तों फाइनली आज मैं आपके लिए आया हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, और आज ना आपके लिए मैं एक ऐसी एसयूवी लेके आया हूँ जो कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में है। 1.5 लीटर का पावरफुल पेट्रोल इंजन ऑफर किया गया है, साथ ही आपको 6 स्पीड का प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है। अब इस सेगमेंट में बाकी कंपनीज भी आपको ये ऑफर कर रही है, कुछ कंपनीज आपको DSG का ऑप्शन दे रही है, कुछ कंपनीज आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑफर कर रही है, बट अगर आपको एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि रिलायबिलिटी वाइज भी अच्छा हो, ज़्यादा बजट से ज़्यादा बाहर भी नहीं हो और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन ऑलराउंडर माना जा रहा है सेगमेंट के हिसाब से, तो देखते हैं जो आपकी नई ग्रैंड विटारा है अपने ऑटोमेटिक के साथ किस तरीके की वैल्यू आपको देने वाली है। अब ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जो कि है इसका अल्फा प्लस वेरिएंट। इस कार को हम हाईवे में चलाएंगे, शहरों में भी ले जाएंगे, कुछ ख़राब रास्तों में भी ले जाएंगे, उससे आपको ये समझ आएगा कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको वो सब कुछ दे पाएगा जो आप एक मैनुअल ट्रांसमिशन से सोचते हैं, या फिर ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाएगा, वो सब कुछ हम देखेंगे। बाकी गाड़ी के ये कुछ है फ्रंट की प्रोफाइल, प्रॉपर डिज़ाइन दिया गया है। अब अगर इसी चीज़ को आप हाइब्रिड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको डार्क क्रोम का देखने को मिलेगा यूज़, जो कि थोड़ा सा और ज़्यादा प्रीमियम लगता है इसके मुकाबले, ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉमन लगता है, लेकिन इस कलर ऑप्शन के साथ काफ़ी बढ़िया तरीके से ये कॉम्प्लीमेंट कर पा रहा है। ये अगर आप देखें फ्रंट से तो यहाँ पर आपको जो अपनी नेक्सा की नई डिज़ाइन फिलॉसफी है वो देखने को मिलेगी, 3 पॉड DRLs दिए गए हैं, नीचे आपको सिंगल पॉड LED हेडलैम्प दिया गया है, और ये है गाड़ी की फ्रंट की प्रोफाइल। अभी हम हाईवे में हैं, कार को अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया है, इसी बीच मैंने सोचा कि इसका एक रियल लाइफ रिव्यू आपके लिए लाया जाए, इसलिए हम यहाँ पर रुके हुए हैं। गाड़ी में आपको 360 पार्किंग कैमरा ऑफर किया गया है और साथ ही आपको यहाँ पर पानोरामिक सनरूफ ही ऑफर करते हैं। अब चलिए गाड़ी के टेक्निकल्स के बारे में बात करें तो इस गाड़ी की लंबाई चौड़ाई अगर समझे तो अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी लंबाई एक तरीके से आपको दी गई है, मतलब अपने सेगमेंट में इतनी ज़्यादा लंबाई एक तरीके से देखी जाए तो आपको एक और सैबलिंग ऑफर करती है जो कि टोयोटा हाईराइडर, लेकिन दोनों सिमिलर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस की गई है, सिर्फ बम्पर डिपार्टमेंट में डिफरेंस है, बट स्पेसिंग वाइज अच्छा काम किया है मारुति सुजुकी और टोयोटा ने। साइड प्रोफाइल में देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्रिसीजन कट 17 इंचेस के अलॉयज दिए गए, जिनका साइज़ प्रॉपर इंडिया के हिसाब से 215/60/8/17 का है, और अच्छी चीज़ ये है कि आपको पीछे भी डिस्क है और आगे भी डिस्क है, तो उससे थोड़ी सी ना ब्रेकिंग अच्छी हो रही है गाड़ी की, वो भी देखेंगे किस तरीके की ब्रेकिंग है। अब अगर आप हाइब्रिड वेरिएंट लेते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ क्रोम का यूज़ देखने को मिलेगा, इसमें वो चीज़ें सिर्फ यहीं तक सीमित है जो कि हाइब्रिड में भी मिलती है। अब इसमें जो इंजन ऑफर किया गया है ये K15C सीरीज़ पेट्रोल इंजन है, जो कि मारुति सुजुकी एक तरीके से मार्केटिंग करती है स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से, वैसे ऑल रियलिटी वो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, यानी कि बहुत मैं कहूँ एक हाइब्रिड का फंक्शन आपको देगा लेकिन बहुत माइल्ड फॉर्म में है, यानी कि हल्का सा टॉर्क असिस्ट और जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उन सब चीज़ों के साथ आपको वो ऑफर किया गया है। और साथ ही अगर आप की फॉब की बात करें तो ऐसी कुछ की फॉब आपको दी गई है, ये इसका अल्फा प्लस वेरिएंट है और थोड़ा सा ना नेक्सा थीम में आपको बनाई गई है, ब्लैक शेड यूज़ किया गया, उसके साथ लॉक अनलॉक के फंक्शन है, इसको लॉक करते हैं और यहाँ से आप दिखाया जाएगा इसका बूट। तो यहाँ पर मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, एक लगेज आप देख सकते हैं, मतलब बूट ठीक है इसका, जिसका कंपटीशन है उसी के लेवल का बूट है, थोड़ा सा डिज़ाइन है गाड़ी का कूपे इंस्पायर्ड भी है, तो नीचे आपको थोड़ा चौड़ा बूट लगेगा, ऊपर जाते जाते थोड़ा पतला हो जाता है, और ऊपर आपको पूरी पार्शल सेल्फ मिलने वाली है। एक चीज़ अच्छी चीज़ मुझे लगी कि मारुति सुजुकी ने 3 पॉइंट आपको यहाँ पर सीट बेल्ट दी हुई है, जो कि ऊपर भी आपको ये माउंटिंग हुक देख रहा है, यानी कि बीच वाले पैसेंजर के लिए भी आपको 3.8 सीट बेल्ट ही ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ आपको पार्शल सेल्फ मिलने वाली है, पीछे आपको एक स्किड प्लेट ऑफर की गई है। अगर आप हाइब्रिड मॉडल लेते हैं तो आपको जो पीछे स्पेयर व्हील है वो नीचे प्लेस होता हुआ दिखेगा, इसका प्लेसमेंट थोड़ा अलग है उनके मुकाबले, तो इसमें आपको जो स्पेयर व्हील है वो वहीं प्लेसमेंट है जहां नॉर्मली आपको बाकी गाड़ियों में मिलता है। और पीछे देखेंगे व्हील आर्चेस में क्लैडिंग को काफ़ी सिंपल रखा गया है, ज़्यादा बल्की नहीं की गई है, एक आपको रिक्वेस्ट बटन यहाँ पर मिलेगा, उस साइड भी आपको दिया गया है, साथ ही 360 डिग्री कैमरा वो यहाँ प्लेस है, आगे भी एक 360 डिग्री कैमरा इनने प्लेस किया हुआ है। आपको ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 210 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि इनफ है इंडिया के हिसाब से, हल्के फुल्के ख़राब रास्तों में आप इसको आसानी से ले जा सकते हैं। डोर को ओपन करते हैं तो डोर में एक वेट वाला फील जो हम चाहते हैं प्रीमियम गाड़ी से वो आप फील करेंगे, साथ ही जो अपर डैशबोर्ड और जो नीचे का डैशबोर्ड है उसको अलग मटेरियल से बनाया गया है, ऊपर हार्ड टच मटेरियल यूज़ किया गया है, और जो नीचे ये वाला पार्ट है ये सब सॉफ्ट टच में कवरिंग के साथ दी गई है, ये पार्ट अगेन थोड़ा हार्ड टच में है। इसमें 360 डिग्री कैमरा है तो उसके सारे आप प्लेसमेंट यहाँ देखेंगे। इस साइड आपको जो रियल
एल लाइफ एक कलर ऑप्शन देखा जाए तो यहाँ आपको थोड़ा ब्राउन शेड कॉफी टैन शेड में दिया गया जो सॉफ्ट टच है, उसके साथ बेज का यूज़ मिलेगा, कुछ आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स हैं। ये वही कन्वेंशनल है जो मारुति पहले से यूज़ करते हुए आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट ओवरऑल देखा जाए तो एक प्रीमियम पैकेज दिखाई पड़ता है। ये फंक्शंस मैनुअल मिलेगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये आपको यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, बढ़िया तरीके से क्रोम बेजल यहाँ पे प्रोवाइड की गई है और गाड़ी में स्पेसिंग की कमी कोई नहीं है, अच्छी खासी स्पेसिंग है। बैग को अगर मैं हटा के आपको दिखाता हूँ तो बैग हटने के बाद यहाँ पर तीन लोगों के लिए बिल्कुल एडिक्वेट जगह बन जाती है और पीछे का अपर्चर कुछ इतना है। अब आइए बैठ के देखते हैं इसमें। तो ये जो आप सारा डायल वाला सिस्टम देख रहे हैं ये आपको कन्वेंशनल मिलेगा, जो आपने मतलब एनालॉग और डिजिटल का फंक्शन ज़्यादा गाड़ियों में देखा है वही चीज़ है। इस साइड पूरा एनालॉग है, बीच में डिजिटल स्क्रीन है, डोर ओपन है तो वो डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ पर आपको अल्फा प्लस मॉडल अपने साथ 9 इंच की स्क्रीन ऑफर कर रहा है, साथ ही ना ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है कंफर्ट के मामले में। हाइब्रिड मॉडल में आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स के फंक्शन मिलते हैं और वो मतलब चीज़ ही थोड़ी प्रीमियम होती है, इसमें वो चीज़ मिस आउट है। बाकी पूरा कंसोल उसी तरीके का है, इतना कुछ स्पेस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आर्मरेस्ट वाली चीज़ आप ये नोटिस करेंगे, ये इसका वही 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर ऑटोमेटिक है जो कि सबसे पहले अर्टिगा XL6 और ब्रेजा में ऑफर किया जा चुका है। 9 इंच की स्क्रीन है, वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले यहाँ पर सपोर्ट किया जाता है। कुछ इन्फॉर्मेशन इंजन से रिलेटेड भी ये दिखाता है, क्या कुछ है देख सकते हैं। एवरेज स्पीड, फ्यूल इकोनॉमी और एनर्जी फ्लो भी शो करेगा क्योंकि इसमें वही माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ये दे रहे हैं। अब अगर आप हाइब्रिड वाला ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपको TPMS का फंक्शन मिलता है, जो लोग हाईवे में ज़्यादा चलते हैं तो उनके लिए यूज़फुल है कि किस हिसाब से आपके टायर में प्रेशर है, अभी कितना टेम्परेचर हो गया इंडिविजुअल टायर का वो शायद नहीं बताएगा, लेकिन प्रेशर कितना है, किस में ज़्यादा है और किस हिसाब से अलार्म यहाँ पर ये शो कर देता है कि ज़्यादा प्रेशर हो गया टायर में, तो वो आपको सब चीज़ें बताएगा। वार्निंग्स में देखेंगे तो डोर ओपन ये सब चीज़ें वार्निंग ये शो करने वाला है, पार्क असिस्ट और ये, और IC रोड वार्निंग भी इसमें एक ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके व्हील स्लिप करते हैं तो कुछ ऐसे फंक्शन ABS सेंसर के साथ इसको प्रोग्राम करके इन्हें ऑफर किया है। बाकी अच्छा खासा स्पेसिंग मेंटेन की गई है, ये वही ट्रांसमिशन है, 6 स्पीड का टॉक कन्वर्टर, प्रॉपर टॉक कन्वर्टर है, कोई भी वायरलेस चार्जर नहीं है। यहाँ पर आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप है, उसके साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, फुली ऑटोमेटिक AC है और यहाँ पर देखेंगे क्रूज़ कंट्रोल है। तो इसकी अभी बात करते हैं किस तरीके से इसको ट्यून किया गया है। अब मैंने हाइब्रिड में आपको दिखाया था कि 30 किलोमीटर पर आवर से वो स्टार्ट हो जाता है और 100 की स्पीड तक वो जाने वाला है। यहाँ पर कुछ टेलीमेटिक्स के कंट्रोल है और साथ में देखेंगे तो बढ़िया सा आपको यहाँ पर एक स्टेयरिंग मिलेगा। इसमें फंक्शनैलिटी क्या दी गई है, टिल्ट के साथ आपको टेलीस्कोपिक के सारे कंट्रोल दिए गए, तो अच्छी तरीके से आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसको। मैं आपको इंजन बेस का दिखाता हूँ, मतलब वो जाना पहचाना इंजन जो आपको आर्टिगा XL6 वो पहले से देती हुई आ रही है, लेकिन ये इसका एक तरीके से नई जनरेशन का इंजन आया हुआ था जो कि पावर थोड़ी कम करके आया हुआ है लेकिन माइलेज में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। ये इंजन आपको 20 KMPL के रेंज में कंपनी क्लेम्ड माइलेज है इसका और रियल लाइफ में ये 14 से 15 का माइलेज आपको शो करेगा। और अगर इसी को आप मैनुअल में लेते हैं तो 21 KMPL का माइलेज वहाँ पर मारुति बता रही है। और डुअल जेट इंजन है, यानी कि 4 सिलेंडर में आपको 2 इंजेक्टर मिलेंगे पर मैनिफोल्ड, और डुअल VVT है और साथ ही लिक्विड कूल्ड आपको इसमें EGR दिया गया है। फुली ऑटोमेटिक है ये, तो एक तरीके से शांति से आप चला सकते हैं शहरों में। अभी देखेंगे किस तरीके की ड्राइवेबिलिटी है और इंजन काफ़ी रिफाइंड है, इवन अगर आप बात करें हाइब्रिड के मुकाबले तो उससे ज़्यादा आपको रिफाइंडनेस इसमें फील होगी। अगर आप इंजन ऑन करते हैं तो जो इसके DRL है दिन के टाइम पे भी अच्छे विजिबल होते हैं और गाड़ी का जो करैक्टर है वो और बढ़िया तरीके से आपको दिख पाता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी ड्राइव को और समझते हैं कि आपको जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ग्रैंड विटारा मिल रही है, खास तौर पे 1.5 लीटर K15 इंजन के साथ, वो किस तरीके की ड्राइवेबिलिटी आपको ऑफर करती है। तो अभी हम आ चुके हैं कैबिन के अंदर और यहाँ पर आप पूरा जो एम्बियंस है वो सुन सकते हैं। इंजन काफ़ी साइलेंट फील होता है, इवन जो इसका हाइब्रिड वाला ऑप्शन आया हुआ है जिसमें 3 सिलेंडर का पेट्रोल इंजन है उससे ज़्यादा रिफाइंड फील होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि 4 सिलेंडर इंजन है और मारुति ही ऐसी कंपनी है जो अपनी हैचबैक लाइनअप में भी ज़्यादा प्रेफर करती है कि वो 3 सिलेंडर इंजन के मुकाबले 4 सिलेंडर इंजन दे, जिससे रिफाइनमेंट बढ़ता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस वो ज़्यादा होता है। इसको अगर आप पुश करेंगे थोड़ा तो फिर भी काफ़ी स्पोर्टी ग्रंट आपको अंदर फील होगा। तो भैया यहाँ पर सीधे इसको डी मोड में शिफ्ट करते हैं, मैनुअल में भी आप कर सकते हैं लेकिन वो आगे जब हाईवे में स्पीड अच्छी होगी वो दिखेगी। और यहाँ पर आप पूरी नज़र बनाए रखिएगा किस हिसाब का इंस्टेंटेनियस माइलेज, और रेंज दिखा रहा है कि इतने फ्यूल के साथ इतनी गाड़ी चल जाएगी, लगभग अभी 80% फ्यूल है तो 280 के आसपास रेंज दिखा रहा है। और माइलेज इससे पहले जिनने चलाई थी करीब 7.9 KMPL का माइलेज वो ले पाए थे, क्योंकि थोड़ा पुश करके चलाई हुई टेस्ट करके, तो ये सब कुछ रियल लाइफ ग्राउंड में रहा। हम देखते हैं हम कितनी बढ़िया माइलेज इस गाड़ी से ले पाते हैं। अब डी मोड में है गाड़ी, वहाँ पर भी शो कर रही है, तो मुझे जस्ट ब्रेक छोड़ना है और बहुत बढ़िया तरीके से आगे को क्रिप इन होती है। ये बेसिक सा फंक्शन रहता है किसी भी टॉक कन्वर्टर वाली ऑटोमेटिक गाड़ी का। और जैसे ही आप एक्सलेटर देंगे ये अपने जो स्पीड इसने बनाई है, पहले तो डोर लॉक होंगे और स्पीड के साथ ही अपने आपको
आगे की ओर प्रॉपल करती है। गियर्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अपशिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसा है कि फर्स्ट के बाद सेकंड भी आप ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप बड़े प्यार से इसमें ले जाएंगे तो। और काफ़ी ईजिली अभी करीब 2000 RPM पे जा चुकी है गाड़ी, और अब जाके इसने अपना जो गियर शिफ्टिंग है वो किया है। इसमें ये रहता है कि अगर गाड़ी डी मोड में है तो आपको ये नहीं बताएगी कि इसने गियर शिफ्ट कौन सा रखा हुआ है, ये डी ये शो करेगा। अगर आप मैनुअल मोड में सीधे सीधे आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं अभी, क्योंकि इसमें 6 गियर आते हैं तो 6 के 6 गियर आपको मैनुअल में ऑप्शन देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जाइए। और ऑन द गो एक्सेलेरेटर बिना छोड़े मैनुअल में ही आप डाउन शिफ्ट करेंगे तो देखिए इंजन का जो पुश है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ आपको दिखेगा, मतलब परफेक्ट है बिल्कुल। अब गाड़ी की अगर आप डायनेमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे ज़्यादा मैं ये कह रहा हूँ सेगमेंट में एक ऑटोमेटिक के मामले में तो बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि पहले तो अफोर्डेबली के हिसाब से आपको बढ़िया पड़ने वाला है। अभी के टाइम पर आप अगर ग्रैंड विटारा लेते हैं तो ये आपको टोटल 3 वेरिएंट्स के साथ दी गई है, 3 आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 3 वेरिएंट के साथ जो आप ग्रैंड विटारा ले सकते हैं। मैनुअल वालों के थोड़े और बेटर ऑप्शन है कि बेस में भी मैनुअल आपको इसी इंजन के साथ मिलता है। अब ये इंजन इनका 1500 cc का इंजन है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर है। सबसे बढ़िया चीज़ है माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, तो थोड़ा बहुत शहरों में हल्का सा असिस्ट मिलता है, थोड़ा रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। एक एडिशनल बैटरी को इस सीट के नीचे प्लेस किया जाता है, उसकी लॉन्ग लाइफ काफ़ी कस्टमर कहते हैं कि हम सेटिस्फाइड है। काफ़ी लोगों को दिक्कतें भी आई है लेकिन अभी काफ़ी टाइम से काफ़ी स्टेबल हो गया है, और जिस हिसाब से भी दिक्कतें हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बस एक मिथ वाली बात है कि हाइब्रिड की बैटरी ख़राब होगी और आपको बाद में दिक्कत आएगी। इसमें अगर आप देखें तो जो इसकी पावर फिगर है 103 हॉर्स पावर है, 103 हॉर्स पावर बनाता है और 136 Nm का टॉर्क है इसका। ऑन पेपर अगर आप इसको सीधे कम्पीट करते हैं हुंडई क्रेटा या किया सेल्टॉस के नॉन टर्बो इंजन के साथ जो कि सेम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आते हैं, और उनमें जो पावर आपको ऑफर की गई है 115 हॉर्स पावर है और पावर भी 144 है। इसकी पावर थोड़ी पीछे दिखाई देती है ऑन पेपर, 103 HP और 136 Nm का टॉर्क, और काफ़ी लोग इसको समझते भी है कि ये कम है तो हमें इसको नहीं लेना चाहिए, अंडर पावर्ड होगी गाड़ी। लेकिन ऑन डेली ग्राउंड में जिस हिसाब का अगर आप ऑटोमेटिक ही सोच रहे हैं तो अगर ज़्यादा आपको पुश करना होता तो ऑटोमेटिकली तो RPM बढ़ा देती है, जिससे अगर 136 Nm का टॉर्क अगर कम भी पड़ रहा है तो थोड़ा सा गियर रेशियो को शिफ्ट करके आपको बेटर टॉर्क के फील करवा पाए। बट ऑन रियलिटी उतना डिफरेंस फील नहीं होगा, पंची है ये अच्छा खासा। और जहाँ पर क्रेटा का जो इंजन है वो 16-17 KMPL के ARAI सर्टिफाइड माइलेज के साथ है, ये आपको 21 तक सर्टिफाइड करते हैं और 20 का माइलेज इसके लिए ये क्लेम कर रहे हैं। अब जिस हिसाब से हम चला रहे हैं अभी भी ये गाड़ी 8 KMPL का माइलेज ही शो कर पाई है। अभी मैंने ट्रिप रिसेट करके हम 3.5 किलोमीटर चल चुके हैं, तो इंस्टेंटेनियस अगर आप देखें ना क्या माइलेज शो कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको दिखा रहा है लगभग 8 का ही माइलेज दिखा रहा है, तो ये थोड़ा सा ना कंसर्निंग वाली बात है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर क्रूज़ की हेल्प लेंगे, तो इसको हम क्रूज़ में डाल देते हैं क्रूज़ करके, और यहाँ पर हमारी जो स्पीड है उसको हम 80 पे रख देते हैं। आगे टर्न आ रहा है बट फिर भी ये रोड में इतनी ही स्पीड लिमिट है, तो हम यहाँ पर क्रूज़ पे रख देते हैं 80 की स्पीड पे, और फिर समझते हैं कि किस हिसाब से। अब हमने ब्रेक यूज़ करा तो क्रूज़ इसका डिसंगेज हो चुका है, तो दोबारा से हम अगर सेट कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक है, तो उसने गियर डाउन करा और फिर उसके हिसाब से ऊपर की ओर अपशिफ्ट करके अपनी परफॉर्मेंस आपको दिखाई। अभी मेरा एक्सेलेरेटर पे पैडल नहीं है, सिर्फ ब्रेक के साथ हूँ मैं, और उसके साथ देखा जाए अभी जो माइलेज है वो बढ़ चुका है। 80 की स्पीड पर अगर आप क्रूज़ कर रहे हैं गाड़ी के साथ तो ये 20 की रेंज में जा चुका है, जो कि सही भी है। ये गाड़ी 20 का माइलेज आपको, अगर आप 80 की स्पीड से क्रूज़ करेंगे तो 20 प्लस माइलेज दे सकती है। इसी स्पीड को मेंटेन करेंगे और फ्लैट रोड होगी हल्के फुल्के अप डाउन के साथ तो 20-18 KMPL माइलेज ईजिली देगी। देखिए 20 पे माइलेज आ चुका है, और अगर आप सिटी की बात करें तो वहाँ पर आपको 13-16 का माइलेज देखने को मिलेगा, तो माइलेज वाला डाउट भी क्लियर हो गया। इस स्पीड के साथ आप चलेंगे तो ये इसका माइलेज है, और जो कि बिल्कुल कॉमन है। यही चीज़ आप आर्टिका XL6 में बहुत इजीली ले सकते हैं, क्योंकि दोनों गाड़ियों का लगभग सेम वेट आता है और उतना ज़्यादा कोई डिफरेंसेस परफॉर्मेंस में कोई की नहीं गई है, तो वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड है कि रनिंग कॉस्ट के मामले में भी गाड़ी आपको सही पड़ने वाली है। अब बात आती है गाड़ी की जो अपनी हैंडलिंग है वो किस तरीके की है। बाकी क्रूज से आप इजीली कितना भी चल सकते हैं, बस आपको ब्रेक का ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप ब्रेक यूज़ करेंगे वो ऑटोमेटिकली क्रूज़ हटेगा और फिर आप रिज्यूम कर लीजिए और जो सेट स्पीड है उसमें जाइए, और यहाँ से आप कम ज़्यादा भी इसको कर पाएंगे वो आपके ऊपर है। साथ ही 30 किलोमीटर से क्रूज स्टार्ट होता है और 100 किलोमीटर तक आपका साथ देता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो गाड़ी का साइज़ तो बहुत बड़ा लगेगा आपको, तो उस हिसाब से रोड मैनर भी इसके अच्छे होने चाहिए।
तो इसमें मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप 120 की स्पीड तक भी थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे लेन को फिल्टर करने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप सुपर एक्सेसिव स्पीड में जाने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर चाहेंगे कि ये ऐसे ऐसे आपके कमांड्स को फॉलो करें, तो आपको थोड़ा प्लान करके चलना होगा, क्योंकि एक तो गाड़ी का हाइट ज़्यादा है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बॉडी रोल वाला फैक्टर है इस सेगमेंट की गाड़ी में थोड़ा सा क्रीप इन हो जाता है, तो वो रहता है। बट नॉर्मल ड्राइविंग के जैसे 80 पे हम चल ही रहे और अगर सडनली कोई यहाँ पर एनिमल आ जाता है रास्ते में तो हम मैनेवर करने की हालत में होंगे, क्योंकि गाड़ी में है उतना। बाकी सेफ लिमिट तो वही है, 80 से लेके 120 आप किसी भी स्पीड पे चलेंगे तो वो ठीक है एक्सप्रेसवेज या फिर हाईवेज के हिसाब से। और साथ ही अगर ब्रेकिंग और इन चीज़ों की बात की जाए तो ब्रेकिंग आपको लीनियर मिलेगी। मैंने इससे पहले हाइब्रिड चलाई है, उसकी ब्रेकिंग इसके मुकाबले थोड़ी अलग है। इसकी ब्रेकिंग वैसे ही नॉर्मल गाड़ियों की तरह है, उसमें क्योंकि रीजन थोड़ा काम करता है तो वो पहले रीजन को हल्का सा यूज़ करके फिर ब्रेकिंग करवाता है, लेकिन ये नॉर्मल ऐसा ही है, कोई भी अगर इसको चलाता है तो वो डिफरेंस उतना नहीं बताएगा, नॉर्मल कार्स की तरह है। ऑल फोर व्हील्स में डिस्क ब्रेक है तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया है, लेकिन पहले भी ठीक थी, उसमें उतना कोई अंतर नहीं है। सबसे सही चीज़ आपको लगेगी जो स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग बिल्कुल कनेक्टेड फील होता है, जहाँ को आप करेंगे वो आपकी बॉडी में मूवमेंट देगा और बीच में डेड फील नहीं होता। अब ये बॉडी में मूवमेंट देना भी थोड़ा सा वही है कि आपको संभल के उसको चलाना है, ज़्यादा हाई स्पीड पर अगर आप ये ऐसा करेंगे तो आप अनकंट्रोल्ड हो सकते हैं, बट सेफ्टी अगर जो चलाता है उसको ये अच्छा प्रीमियम अपील देगा। जो अर्गोनॉमिक्स है वो भी प्रॉपर है, थंब की पोजिशन सही लगेगी आपको। अब ये सब कुछ कंपनी फिटेड है, आप एक्सेसरी के तौर पर कुछ अपग्रेड करवा सकते हैं, बट इसका साइज़ ऐसा है कि मोस्टली जो इंडिया में जिसका भी पाम साइज़ है उसके हिसाब से ये अच्छे आराम से पकड़ के बैठ सकते हैं आप। और बाकी विजिबिलिटी आप देख ही रहे स्टार्टिंग से, विजिबिलिटी अच्छी है गाड़ी में। यहाँ पे थोड़ा ब्रेक यूज़ करेंगे, विजिबिलिटी में कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया आपको ऑल अराउंड व्यू मिलने वाला है। और जो लोग ऐसे इसके ब्लाइंड स्पॉट से थोड़ा परेशान रहते हैं गाड़ियों के बड़ी बड़ी, वो इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये तो देखा, बाकी मेन चीज़ ऑटोमेटिक में, अब थोड़ा ना इसको मैनुअल मोड में डाल के देखते हैं। अभी सिक्स गियर में आई तो गाड़ी का सडनली यहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी बढ़ गई, क्योंकि डाउन था, अब हाइट आने वाली है। अभी मैंने एक्सीलेटर इनपुट इसमें नहीं दिया हुआ है और अब देखते हैं क्या फ्यूल इकोनॉमी ये यूज़ करेगी। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको कम करके हम वो जहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वहाँ पर भी आप सेट कर सकते हैं, और चाहे तो जहाँ पर आप जाना पहले किया हुआ था वहाँ पर भी आप रीसेट करके 65 पे रखते हैं। थोड़ा सिटी के अंदर आप आ चुके हैं तो थोड़ा आराम आराम से इसको चलाएंगे। तो ये मेन हाईवे है जो गुजरात को कनेक्ट करता है उदयपुर से, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो माइलेज है ना वही होवर करने वाला है, चाहे 65 की स्पीड से चलाइए या फिर 80 की स्पीड से चलाइए, माइलेज वही रहेगा, 20 से लेकर 18 या फिर मैक्स टू मैक्स आप 25 तक भी इसमें ले सकते हैं। अब इसमें और रियल लाइफ अगर आप टाइम टू टाइम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो मैंने खुद भी हाइब्रिड में चेक किया है, 1 से लेकर 1.5 किलोमीटर मोस्ट टू मोस्ट आधा किलोमीटर की डिफरेंस आ रहा है, वो भी फिलिंग के ऊपर शायद हो सकता है, क्योंकि मारुति का मोस्टली ठीक आ जाता है जिस हिसाब से। अब इसी में अगर आप पुश करेंगे, अगर गाड़ी क्रूज़ में है तो क्रूज़ में जब आप गाड़ी चला रहे हैं और यहाँ पर पुश करेंगे तो ये पुश होगी, और इसी में अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगी, फिर आप इसी में मेंटेन रहेंगे, ज़्यादा ऊपर गाड़ी ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी ना नीचे आने वाली है, और आपका एक्सीलेटर पैडल का एफर्ट कम हो जाएगा। अब एक्सीलेटर पैडल के साथ ही आप हेडरूम और शोल्डर रूम ये सब चीज़ें देखेंगे तो प्रॉपर आपको लगेगी। एसी का जो कूलिंग है वो भी ठीक है, ऑटो मोड में रहेगा तो अपने हिसाब से वो कर लेता है। और गाड़ी के जो ऑल अराउंड एनवीएस लेवल है, सस्पेंशन है, वो आपको थोड़े स्टिफर साइड में फील होंगे, जैसे नॉर्मली अभी एक ट्रेंड बन चुका है कि थोड़े हार्ड सस्पेंशन होनी चाहिए गाड़ी में, तो वो है इसमें, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इधर उधर गाड़ी बॉडी रोल करते हुए नहीं जाती है, एक फील जो आना चाहिए वो प्रॉपर आपको दे देता है। तो बाकी यही कुछ है गाड़ी में। और मैनुअल मोड उन्हीं के लिए है कि जो लोग चाहते हैं कि थोड़ा डाउन शिफ्ट करके वो ज़्यादा तेज़ी से ओवरटेक कर ले, वहाँ पर वो कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने फिफ्थ करा, फोर्थ करा, तो अब ये 2500 RPM पे आ चुकी है, यहाँ पर आप पुश करेंगे तो होगा, चाहे तो आप यहीं से ऑन द गो, मतलब ना उन्हीं गियर रेशियोज़ को ये ऊपर नीचे करेगा, आपको कुछ नहीं करना, बस यहीं से आपको देखे अब टॉप गियर में आ जाइए, बाकी कितना ये आपको लिमिट करता है। थर्ड गियर में हम आ चुके हैं, 85 की स्पीड है, फुल एक्सीलेटर दे के किस तरीके से गाड़ी आपको जो अपशिफ्टिंग है वो दिखाती है, फुल RPM तक रैप अप करेगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो भी करीब 6,000-6,500 RPM तक ये पुश करता है, कोई लैग फील नहीं होता इसमें। अब जैसे देखिए अभी हम ऑटोमेटिक मोड में ही चल रहे हैं और करीब 1500 RPM है हमारी, और यहाँ पर हम एक्सीलेटर देते हैं, देखते हैं कि गाड़ी ओवरटेक करते समय किस तरीके का बिहेवियर दिखाती है।
इसने ओवरटेक होते होते ही गियर को अपशिफ्ट करा और फिर मतलब आरपीएम तो बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन आपके पास ये जो पैडल शिफ्टर है आप फिर ऑटोमेटिकली हायर शिफ्ट में जल्दी कर सकते हैं, वो भी करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा सोचता है कि आपको और परफॉर्मेंस चाहिए तो वो गियर शिफ्ट नहीं करता है और इंजन को हायर आरपीएम पर रखता है, जिससे ऑलरेडी आप पावर बैंड में हमेशा रहेंगे। अब ग्रैंड विटारा ओवरऑल देखा जाए तो हाईवे में तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है। अब हम बात करेंगे ये कार आपकी शहरों में कैसा परफॉर्म करेगी, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बढ़िया से बनाई हुई है, वो भी आप देखेंगे। बाकी गाड़ी ओवरऑल अगर आप फैमिली पर्पज़ के लिए ले रहे हैं तो कंफर्टेबली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, साथ ही स्पेसिंग में कोई कमी नहीं है, सेफ्टी फ्रंट में भी मारुति ने अच्छा खासा इसमें काम किया है और परफॉर्मेंस जो इनका इंजन है एक तरीके से अर्टिगा XL6 सब में ही ऑफर किया जा रहा है, ऑलराउंडर है। मेन चीज़ आजकल कंपनी फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर फोकस करती है और रिलायबिलिटी के ऊपर करती है, तो वो चीज़ तो इसमें पहले से ही आती थी और अभी इसमें भी कैरी फॉरवर्ड हो चुकी है। बाकी गाड़ी की स्टेबिलिटी और ये सारी चीज़ें बात की जाए तो जिस सेगमेंट को बिलोंग करती है उसके हिसाब से आपको पूरी स्टेबिलिटी ऑफर करने वाली है। अब बात की जाए ये गाड़ी वेल फॉर मनी है या फिर नहीं है, या फिर ये जो सेगमेंट है उसमें एक अच्छी बाय ऑप्शन आपके लिए रहेगी या नहीं रहेगी, एट द टाइम ऑफ जब मैं इसको शूट कर रहा हूँ, जो इसका रिव्यू कर रहा हूँ, अभी इसकी प्राइसिंग नहीं आई हुई है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो जिस हिसाब से मारुति की एक तरीके से मार्केटिंग रहती है स्ट्रैटेजी, वो अपने प्रोडक्ट्स को थोड़ा सा तो एक तरीके से कम्पिटेटिव प्राइसिंग के साथ लाते हैं। अभी इक्विपमेंट फ्रंट में भी बेस मॉडल काम के सारे फीचर दिया जा रहा है इसमें, तो थोड़े बहुत तो प्रीमियम आपको अप्रोच देनी पड़ेगी इसमें, लेकिन फिर भी जैसे अपडेट आती है उसकी वीडियो मैं आपके लिए अपने चैनल के थ्रू शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, आप अपने राय में दीजिए कैसी ये गाड़ी लग रही है आपको, क्या है इसमें सारा कुछ। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।